Hello friends, today we'll study about social norms, types and how they form. यानी कि आज हम पढ़ेंगे सामाजिक मानक, उनके प्रकार और कैसे उनका निर्माण होता है. सबसे पहले we'll see about the definition of the social norms. यानी कि हम इसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे. यानी कि सामाजिक मानक उन मूल्यों का एक समूह होते हैं जो सामाजिक मूल्यों पर आधारित होते हैं तथा समाज के सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण को नियंत्रित करते हैं. नाउ लेट अस सी इट इन इंग्लिश. सोशल नॉर्म्स आर सेट ऑफ वैल्यूज दैट रेगुलेट्स द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दैट आर बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज. दिस मीन्स सोशल नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज एंड दीज सोशल नॉर्म्स कंडक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स और द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और अ ग्रुप. नाउ अब देखिए इनके प्रकार. सामाजिक मानक के जो मुख्य प्रकार हैं वो तीन होते हैं. सबसे पहला है वर्णात्मक और निषेधात्मक, दूसरा है निदेशात्मक और प्रतिषेधात्मक, और तीसरा है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिपरक. नाउ लेट अस सी द टाइप्स इन इंग्लिश. डिस्क्रिप्टिव एंड इंजेक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव, एंड थर्ड इज सब्जेक्टिव. लेट मी एक्सप्लेन दीज टाइप्स वन बाय वन सो दैट इट विल बी वेरी वेरी क्लियर. इनको एक एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बहुत ही आसान हो जाएगा इनको समझना. वर्णात्मक और निषेधात्मक, ये जो शब्द हैं यही इसका अर्थ पूर्ण रूप से बता रहे हैं. आप देखिए, वर्णात्मक मानकों का अर्थ होता है यानी वो सामाजिक मानक, उन मानकों को हम सामाजिक मानकों को वर्णात्मक कहेंगे जो ये बताते हैं कि क्या होता है, जबकि निषेधात्मक मानकों का अर्थ होता है कि क्या होना चाहिए. यानी वो सामाजिक मानक जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि क्या होता है वो होते हैं वर्णात्मक, और जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि क्या होना चाहिए उनको हम निषेधात्मक सामाजिक मानक कहते हैं. अब दूसरा प्रकार देखिए, निदेशात्मक और प्रतिषेधात्मक. इनमें अंतर देखिए बहुत ही आसान सा अंतर है. निदेशात्मक मानक वो अलिखित नियम होते हैं. पहले मैंने बताया कि जो सामाजिक मानक होते हैं ये पूर्ण रूप से अलिखित होते हैं, ये कहीं रिटन नहीं होते, दे आर अनरिटन नॉर्म्स. तो ये अलिखित नियम होते हैं जो ये बताते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए. निदेशात्मक यानी ऑर्डर दिए जाते हैं इसमें कि क्या करना चाहिए, और प्रतिषेधात्मक होते हैं वो मानक होते हैं जो कि अलिखित होते हैं लेकिन वो ये निर्धारित करते हैं कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए. इन दोनों में यह अंतर है. निदेशात्मक का मतलब है कि क्या करना चाहिए, और प्रतिषेधात्मक का अंतर है कि क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट ought टू बी डन एंड व्हाट ought नॉट टू बी डन. और जो तीसरे प्रकार के होते हैं वो आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव, व्यवहार करने या नहीं करने के लिए प्रत्यक्षित समाज के दबाव को ही आत्मनिष्ठ मानक कहा जाता है. यानी कि जो सोशल प्रेशर है कि कौन सा व्यवहार आपको करना है और कौन सा नहीं करना है, इसके लिए एक सामाजिक प्रेशर होता है, सोशल दबाव होता है, वो सामाजिक यानी कि सब्जेक्टिव नॉर्म्स के अंतर्गत आता है. नाउ लेट अस सी दीज नॉर्म्स इन इंग्लिश. एक बार इंग्लिश में देखते हैं. टाइप ऑफ सोशल नॉर्म्स, दीज आर डिस्क्रिप्टिव एंड इंजेक्टिव नॉर्म्स. डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स रेफर्स टू व्हाट हैपेंस व्हाइल इंजेक्टिव नॉर्म्स रेफर्स टू व्हाट शुड हैपन. प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव. प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स दैट डिक्टेट व्हाट पीपल शुड डू एंड प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स दैट डिक्टेट व्हाट पीपल शुड नॉट डू. द थर्ड इज सब्जेक्टिव नॉर्म्स. सब्जेक्टिव नॉर्म इज द परसीव्ड सोशल प्रेशर टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म द बिहेवियर. एजन ने कहा इस बात को एजन ने बताया 1991 में कि सब्जेक्टिव नॉर्म इज द प्रिस्क्राइब्ड सोशल प्रेशर टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म द बिहेवियर. नाउ हाउ दी सोशल नॉर्म्स फॉर्म्स, यानी कि इन सामाजिक मानकों का गठन कैसे होता है, इसको स्टडी करते हैं. सामाजिक मानक औपचारिक या अनौपचारिक रूप से विकसित होते हैं. औपचारिक रूप से विकसित होने का अर्थ होता है
कि जो बने बनाए नियम और कानून होते हैं उनके माध्यम से अगर सामाजिक मानक बनते हैं तो उन्हें हम औपचारिक सामाजिक मानक कहते हैं, तथा अनौपचारिक रूप से मतलब होता है कि धीरे धीरे और क्रमशः ग्रेजुअली अर्थात अनुभव के आधार पर अभ्यास से और उन कारणों से जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुभव एक्सपीरियंसिस, दिस मीन्स साथियों का समूह यानी पीयर ग्रुप, माता पिता, सामाजिक समूह और शिक्षक, इनके कंटेक्ट में आने से, इनके अनुभव से जो अनरिटन रूल्स विकसित होते हैं और इनके अनुभव से जो विकसित होते हैं उन्हें हम सामाजिक मानक कहते हैं, यानी कि अनुभव से विकसित हुए सामाजिक मानक कहते हैं। जीन पियाजे 1932 में उन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर सही या गलत, उसका विवेक, नैतिकता, निर्णय और न्याय की जो अवधारणा है ये कैसे विकसित होती है, साथियों के समूह यानी पीयर ग्रुप में रहने से, माता पिता आदि के साथ जो अंतक्रिया होती है, इंट्रैक्शन होता है, उससे बच्चे को जो अनुभव मिलता है उस अनुभव के माध्यम से बच्चे के अंदर सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक मानक विकसित होते हैं। यानी इसको इंग्लिश में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स का निमर्स फॉर्मली और इनफॉर्मली, फॉर्मली मीन्स थ्रू रूल्स और लॉस, वाइल इनफॉर्मली मीन्स स्लोली एंड ग्रेजुअली थ्रू एक्सपीरियंसिस, प्रैक्टिसेस एंड अदर फैक्टर्स व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड बिलो। फर्स्ट लेट अस सी एक्सपीरियंसिस। व्हेन एक्सपीरियंसिस कम्स फ्रॉम पीयर्स, पेरेंट्स, सोशल सेटअप और टीचर्स, जीन पियाजे इन 1932 डिस्क्राइब दैट द कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, कंसाइंस, मोरालिटी, जजमेंट एंड जस्टिस डेवलप्स इन ए चिल्ड्रन विद इंट्रैक्शन विद पीयर्स, पेरेंट्स, सोशल ग्रुप्स एंड टीचर्स। दिस वे द नॉर्म्स डेवलप्स इन ए चाइल्ड दैट इज थ्रू एक्सपीरियंस। अगला देखिए, सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम, यानी कि सामाजिक मानक सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम होते हैं। अंतक्रिया का मतलब है समाज के लोगों के साथ हमारा बिहेवियर, उनके साथ हमारा डिस्कशन, कैसे उनसे हमारी बातचीत, कैसे हमारा इंट्रैक्शन। फेस्टिंगर 1954 उन्होंने बताया कि सामाजिक मानक समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिक अंतक्रिया और सामान्य सहमति के कारण आकार लेते हैं। मानक सामाजिक अंतक्रिया से आते हैं क्योंकि वे सामाजिक लागत के मामले में किफ़ायती होते हैं और सामूहिक समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करते हैं। ये बात उन्होंने बताई है उलमैन और मार्गलिट ने 1977 में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सामाजिक लागत के मामले में किफ़ायती होती हैं, यानी कि जो सोशल कॉस्ट होती है उसमें भी सामाजिक मानक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सोशल कॉस्ट को ये कम करते हैं। सोशल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो सामाजिक लागत हमें कुछ काम करने के लिए चुकानी पड़ती है, और अगर हम नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, सामाजिक नॉर्म्स को मानते हैं, तो उस समय जो सोशल कॉस्ट होती है वो अपने आप कम हो जाती है। अब आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं, अगर हम रोड पर नियम बने हुए हैं हमारे, अगर हम रोड पर लेफ्ट साइड चलते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है, हमारी सेफ्टी कॉस्ट है, वो काफ़ी कम होती है। अगर हम सोशल नॉर्म्स हमारे लेफ्ट में चलने के हैं और अगर हम राइट में चलेंगे तो क्या होगा, हमारे एक्सीडेंट होने की संभावना होगी, हमारे ऊपर उसकी लागत बढ़ती है। इसी प्रकार के सामाजिक मानक भी होते हैं। सामाजिक मानक का अर्थ ही होता है कि अगर हमारे पहले से ये बना हुआ रूल है, अनरिटन रूल है कि हमें किसी भी घर में जब जाते हैं तो हमें जूते निकाल के जाना चाहिए, समाज भारतीय सभ्यता में ये एक रूल है कि जब दूसरे के घर में हम जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो हमें अपने जूते निकालने चाहिए, ये सोशल कॉस्ट को कम किस प्रकार करता है। अगर हम जूते निकाल के किसी घर में एंट्री करते हैं तो उसके अंदर, उस घर के अंदर बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है, गंदगी होने का खतरा कम हो जाता है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो सामाजिक कॉस्ट, सामाजिक लागत उस पर पड़ती है अपने आप वो कम हो जाती है। यहाँ पर मतलब होता है सामाजिक लागत का कि ये सोशल नॉर्म से काफ़ी किफ़ायती होते हैं और सामाजिक लागत को ये काफ़ी कम कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, अनुकरण या प्रतिरूपण। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन और प्रतिरूपण का मतलब होता है मॉडलिंग, यानी एक समूह के सदस्य अवलोकन द्वारा अन्य समूह के मानकों को सीखते हैं और उन्हें अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि दूसरे समूह के मानकों को हम सीखते हैं, वहाँ कर जाकर उनको देखते हैं, अगर वो हमें अच्छे लगते हैं उनको जाकर अंतर्ग्रहण का मतलब है आत्मसात करना, यानी हमारे ग्रुप में उनको लागू कर देना, यहाँ पर इसका अर्थ है। भारत जैसे विभिन्न संस्कृतियों वाले देश में, जो हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे समूह हैं और बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं,
तो ऐसे देशों के अंदर क्या होता है, जो मानकों का अंतर समूह हस्तांतरण यानी ट्रांसफर, एक समूह से दूसरे समूह में ट्रांसफर सामान्य रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि किस तरह अगर एक समूह अगर ज़्यादा है, सांस्कृतिक समूह ज़्यादा है, तो उनके सामाजिक मानक भी अलग अलग होंगे और इसमें हस्तांतरण आसान होगा। नाउ लेट अस सी दिस कंसेप्ट इन इंग्लिश, एक बार इंग्लिश में देखते हैं। द सोशल नॉर्म्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, द सोशल नॉर्म्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्टिंगर दैट सोशल नॉर्म्स फॉर्म्स ड्यू टू इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड जनरल एग्रीमेंट अमंग ग्रुप मेंबर्स। व्हाट इज जनरल एग्रीमेंट? व्हेन पीपल एग्री टू फॉलो सर्टेन रूल दैट इट शुड बी सोशल नॉर्म, दैट वी शुड फॉलो ऑल दिस नॉर्म्स, एवरीवन शुड फॉलो दिस नॉर्म, देन इट बिकम अ सोशल नॉर्म। नॉर्म्स कम अप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन बिकॉज दे आर इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉस्ट एंड हेल्प्स इन सॉल्विंग कलेक्टिव प्रॉब्लम्स। कलेक्टिव प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू सोसाइटी। दीज हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। द थर्ड इज थ्रू ऑब्जर्वेशन। नॉर्म्स ऑल्सो डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन। देन देयर आर टू इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज इमिटेशन और मॉडलिंग। द मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप लर्न्स द नॉर्म्स ऑफ अदर ग्रुप बाई ऑब्जर्वेशन एंड इम्बाइब देम एंड दे इंटरनालाइज देम एंड दे स्टार्ट यूजिंग एंड प्रैक्टिसिंग दैट नॉर्म विच आर बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर ग्रुप इन देयर ओन ग्रुप, एंड दिस वे सोशल नॉर्म्स डेवलप। फॉर एग्जाम्पल, इट अकर्स इन कंट्रीज विथ डाइवर्स कल्चर सच एज भारत, वेयर इंटर ग्रुप ट्रांसफर ऑफ नॉर्म्स इज कॉमन प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, समूह के सदस्यों के बीच का पारस्परिक संचार यानी म्यूचुअल कम्युनिकेशन सामाजिक मानकों की स्थापना करने और मौजूदा सामाजिक मानकों को निखारने में मदद करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोगों के बीच में वो समझते हैं एक दूसरे को, सामाजिक मानकों को समझते हैं, और ये नए मानक बनाने में तो कामयाब है ही है कम्युनिकेशन। जो पहले से जो नॉर्म्स बने हुए होते हैं उनमें भी संचार उनको इनका निखार करता है। सामाजिक मानक आमतौर पर अलिखित रूप में पाए जाते हैं जैसे मैंने बताया, और मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रेषित होते हैं यानी ट्रांसफर होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानकों की उपयोगिता यानी इनकी यूटिलिटी। अगर ये मानक या नॉर्म्स या कुछ व्यवहार बार बार उपयोग होते हैं, आप देखेंगे कुछ व्यवहार जो समाज और समूह कल्याण के लिए फायदेमंद होते हैं और वो जिनकी उपयोगिता भी उच्च होती है, उनका बार बार उनका इस्तेमाल होता है, तो वो जो व्यवहार होते हैं मानकों का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि अगर समाज के सदस्य या कोई व्यक्ति अगर कोई व्यवहार करता है और ये देखा जाता है कि वो व्यवहार बहुत ही समाज के लिए फायदेमंद है और उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता है, वो भी काफ़ी उच्च है, काफ़ी हाई है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समाज के जो सदस्य हैं उस व्यवहार को एक नॉर्म्स के रूप में विकसित कर लेते हैं। यानी इस तरह से अगर कोई व्यवहार बार बार उपयोग होता है तो उस उपयोगिता के कारण भी वो व्यवहार सामाजिक मानकों में परिवर्तित हो जाता है। नाउ लेट अस सी इट इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन, द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड आल्सो हेल्प इन रिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग वंस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, इट हेल्प्स इन रिफाइनिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स आर जनरली फाउंड इन अनरिटन फॉर्म एंड दे ट्रांसमिट थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। वंस दे आर अनरिटन, इट इज ऑब्वियस दैट दे विल ट्रांसमिट थ्रू वन पर्सन टू वन अनदर पर्सन फ्रॉम और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। देन फिफ्थ इज यूटिलिटी ऑफ नॉर्म्स। द सर्टेन बिहेवियर्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ग्रुप एंड विच हैव हाई यूटिलिटी आर मोर लाइकली टू बी रिटेन्ड एज नॉर्म्स। वट आई वॉन्ट टू से हियर इज वन अ बिहेवियर, वन पर्सन बिहेव एंड दैट बिहेवियर ऑब्जर्व एज that it is a very beneficial for the welfare of the society or a group, then the group members start following that behavior and that behavior automatically transforms into social norms. Next हम देखते हैं चरम राय के स्तर को बराबर करना। ये एक थोड़ा सा difficult part है, इसको मैं explain करता हूँ। चरम राय होता है extreme opinion। If an individual या कोई भी समाज का कोई व्यक्ति है, कोई एक extreme opinion रखता है, ठीक है, जैसे सामाजिक वर्णक्रम यानी सोशल स्पेक्ट्रम में जो चरम छोर पर पाए जाने वाले विचार, अगर कोई विचार जो चरम होते, चरम मतलब पूर्ण रूप से कि व्यवहार करना ही चाहिए, तो जब समाज द्वारा नियमित रूप से बराबर स्तर पर लाया जाता है, समाज के लोग उसको बैठते हैं, उसको समझते हैं और उसको मान लेते हैं, उसको बराबर के रूप में ले आते हैं,
तो वो व्यवहार क्या होता है, मानक का रूप धारण कर लेता है। यानी चरम राय के स्तर के बराबर करने के आज से भी जो हमारे व्यवहार होते हैं वो सामाजिक मानक बन जाते हैं। विश्वासों और अपेक्षाओं के माध्यम से, यानी कि विश्वास और अपेक्षाएं मानव व्यवहार को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। किसी भी व्यवहार के अपेक्षित परिणाम व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक राहत, साइकोलॉजिकल कंफर्ट प्रदान करते हैं, जो सामाजिक मानकों में विश्वास को और भी अधिक मजबूत करते हैं। अगर किसी व्यवहार से हमें आराम मिलता है, साइकोलॉजिकल आराम मिलता है, तो वो क्या होता है, हम उन मानक को मान लेते हैं, उस व्यवहार को मानना शुरू करते हैं और हमारी उसके अंदर और मजबूती विकसित होती है और फिर ये विश्वास धीरे धीरे सामाजिक मानकों में परिवर्तित हो जाते हैं। नाउ लेट अस सी इन इंग्लिश, लेवलिंग ऑफ एक्सट्रीम ओपिनियंस, द ओपिनियंस एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ सोशल स्पेक्ट्रम व्हेन रेगुलराइज थ्रू लेवलिंग बाय सोसाइटी देन दे टेक फॉर्म ऑफ सोशल नॉर्म्स। द नेक्स्ट इज थ्रू बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, द बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन गाइड्स द ह्यूमन बिहेवियर इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ बिहेवियर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल रिलीफ दैट स्ट्रेंथन द बिलीफ इन द सिस्टम एंड दिस दैट वे दैट बिहेवियर ट्रांसफॉर्म ऑल्सो कन्वर्ट्स इंटू सोशल नॉर्म्स। द बिलीफ देन ग्रेजुअली टर्न्स इंटू सोशल नॉर्म्स। द नेक्स्ट ज्ञान, यानी कि नॉलेज, समूह और सामान्य। आप देखेंगे यहाँ पर समूह से हमें ज्ञान मिलता है और सामान्य ज्ञान, यानी कि समाज में चलायमान समूह या सार्वजनिक ज्ञान से प्राप्त सूचना निरंतर उपयोग से सामाजिक मानकों में परिवर्तित हो जाती है। या समझिए, अगर कोई समूह से आपको ज्ञान मिलता है या एक सार्वजनिक रूप से पूरे समूह के अंदर एक कोई सूचना फैली हुई है, सूचना चल रही है, तो वो सूचना, वो इन्फॉर्मेशन, वो ज्ञान जब लगातार उपयोग होता है, तो लगातार उपयोग होने से दूसरे लोग भी उस ज्ञान को देखने लगते हैं, अपने व्यवहार में उसको लाने लगते हैं और धीरे धीरे वो ज्ञान एक सामाजिक नॉर्म का यानी सोशल नॉर्म्स का एक रूप ले लेता है। देखिए इंग्लिश में देखिए, नॉलेज, ग्रुप एंड कॉमन नॉलेज, द ग्रुप द नॉलेज विच आर बी कमिंग फ्रॉम द ग्रुप एंड विच आर बी नॉलेज विच आर बी फ्लोटिंग इन द सोसाइटी व्हेन इट इज यूज टाइम एंड अगेन सस्टेनेबली इट इज बीन यूज दैट नॉलेज ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्स इंटू सोशल नॉर्म्स। This is the way how the social norms develops. These are the 8 steps how the social norms develops. अब आपको बताता हूँ भारतीय संस्कृति में कुछ आम सामाजिक मानक देखिए कौन कौन से होते हैं। दूसरे के घर में या अपने घर में जूते निकाल कर प्रवेश करना, ये सामाजिक नॉर्म है। दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करना या किसी का अभिवादन करना, व्यवस्थित शादी का चलन यानी अरेंज मैरिजेस। अगला देखिए आप, दाएं हाथ से भोजन करना और वो भी थाली में, ये हमारे सामाजिक मानक हैं। दोनों हाथों से उपहार देना और प्राप्त करना, हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं दोनों हाथों से देते हैं, दोनों हाथों से प्राप्त करते हैं। अतिथि को भगवान के समक्ष दर्जा देना और देखिए घर में सबसे पहले भोजन कराना, बच्चों से बुजुर्गों से पहले उसको हम अतिथि को भोजन कराते हैं, ये हमारा सामाजिक मानक है। किसी को भी उसकी उपलब्धियों के लिए ताज़ा फूलों की एक माला उसके गले में डालकर उसका अभिनंदन करना। हम अगर कोई कुछ अचीव करता है तो उसको हम अभिनंदन किस प्रकार करते हैं, हमारी संस्कृति में ताज़ा फूलों की मालाएं बनाई जाती है या खरीदी जाती है, उसके गले में डाली जाती है, ये भी एक सामाजिक मानक है। और देखिए हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कानों को पवित्र माना जाता है, यानी हमें दूसरे के कानों को स्पर्श करना एक अनुचित व्यवहार माना जाता है। ये कुछ मानक थे, और भी वो सारे मानक हैं हमारे समाज के। अगर स्टूडेंट्स को बात ये लगे कि भी कौन कौन से सोशल नॉर्म्स होते हैं, तो मैंने कुछ सोशल नॉर्म्स इंडियन कंटेक्स्ट में बताए, एक बार इनको इंग्लिश में देख लेते हैं कि सम कॉमन सोशल नॉर्म्स इन भारतीय कल्चर, रिमूविंग ऑफ शूज बिफोर एंटरिंग ए हाउस, नमस्ते बाय फोल्डेड हैंड्स, अरेंज्ड मैरिजेस, फूड इन थाली विद राइट हैंड, गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स बाय बोथ हैंड्स, गेस्ट आर ट्रीटेड इक्वलेंट टू गॉड एंड सर्व्ड ऑन प्रायोरिटी, फ्रेश फ्लावर गार्लैंड्स फॉर अचीवमेंट फॉर समवन एंड ईयर्स आर टेकन एज कंसिडर्ड एज सेक्रेड एंड टचिंग अदर्स ईयर्स आर कंसिडर्ड एज इनअप्रोप्रिएट। डियर फ्रेंड्स, इट वॉज टूडेज टॉपिक, सोशल नॉर्म्स कितने क्या होते हैं, उनकी परिभाषा हमने दी, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वो बनते हैं, और भारतीय समाज के कौन कौन से कुछ बहुत ही कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं वो मैंने बताए हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ली हैं, दीज आर द रेफरेंसेज
आप इन रेफरेंसेस में इनको देख सकते हैं. और थैंक्स फ्रेंड्स, मीट यू नेक्स्ट टाइम. एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी क्रिटिकल एनालिसिस और एनी सजेशन, आई एम हैप्पी टू रिसीव ऑन वर्मा सुजीत @ yahoo.com. थैंक यू वंस अगेन.